अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं फिटिंग को पकड़ने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारी किटन्स, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया, ये क्या किया हमारे कैट ने? यार हमारे किटन्स ने हमारे पिजन्स पर अटैक कर दिया। छोटू को देखें, छोटू छोटू छोटू, ओए नहीं, ओए नहीं, मन्ना मैं आपको कह रही हूँ कि पिजन्स को खोलना से पहले, ये देखो पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, ओह माय गॉड, पानी पिला ले जल्दी से, पानी लेकर आओ, आप इसे बंद करो जल्दी से। पानी लेकर आओ जल्दी से, ओ अल्लाह, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इनको बंद रखा करो यार, बहुत गलत हो गया। तो जनाब आज हमने फैसला कर लिया है कि ये छोटू आज हमें छोड़ के, तो हमने फैसला कर लिया है कि अब इस छोटू को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना। इसकी वजह से हमारी जो कैट्स हैं वो सब ख़राब हो गई हैं। और ये देखें आप सबके सामने, अभी अभी कैट ने हमला किया इसके ऊपर और इसे छोड़ा ही नहीं और हमारे पिजन को खा गई और ये हमें छोड़कर चला गया। यार अफसोस हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ये क्या हुआ? एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन में नहीं आया, कल शाम मैंने इनको खोल दिया था, तो इसे बंद कर रहे हैं। और छोटू को तो आप ले जाएं, छोटू को मैं वापस, आज मेरा फैसला है कि मैंने छोटू को वापस भेजना है, बिल्कुल भी नहीं रखना यहाँ पर। इसको शॉपर में डालें और इसे ले जाएं। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे ना। ये हमारा बेबी पिजन था, ब्लैक वाला, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है हमारे पिजन के साथ। अचानक से ही बस हमारे कैट्स ने हमला किया। हालांकि आप सबको पता है कि ये पर्शियन कैट्स हैं, ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करते, लेकिन जब से हमारा छोटू आया है उसने इनको जंगली बना दिया है। और ये देखें आजकल तो हमारे रैबिट्स भी छोटू पर अटैक करने लगे हैं, रैबिट्स बिल्कुल भी छोटू को बर्दाश्त नहीं करते। और ये देखें हमारा पिजन, अभी हम इसे दफना देंगे और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। फ़िलहाल बाकी जो पिजन्स हैं हमारे यहाँ पर हैं और मोरों को मैं खोल देती हूँ, मोर जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अभी जो हैं मोर तो मैंने बाहर निकाल दिए हैं, अभी तो सिल्की हैं और गिना फॉल्स को भी खोल दें फिर आप। मैं इनको पहले दाना पानी डाल दूँ, फिर वो करेंगे। तो फाइनली आज ये फैसला हो गया कि छोटू हमें छोड़कर जाएगा और मज़ीद हम उसे नहीं रख सकते, क्योंकि उसने अपनी जो भी हैबिट्स हैं वो हमारी किटन्स में डाल दी हैं और हमारी जो किटन्स हैं वो बिल्कुल भी अब किटन्स नहीं रहीं, वो जंगली बिल्लियाँ बन चुकी हैं। और सिल्की हैंस और यूनिफॉल्स इधर हैं, उनको भी बाहर निकालते हैं। और सिल्की हैं उनको आज मेडिसिन भी देनी है, काफ़ी ज़्यादा आज उसकी तबीयत मुझे अपसेट लग रही है, तो फिर ले आओ मेडिसिन। और गोट की जगह, जैसे कि आप सबको पता है शिफ्ट कर दिया, तो गोट इधर है आज, छोटू को पकड़ कर ही रहना। तो फाइनली मिशन जारी है छोटू को इस घर से निकालने का, और ये छोटू को थैले में बंद किया जा रहा है।
हम इसे कहीं दूर नहीं फेंकेंगे, किसी और जगह नहीं फेंकेंगे, लेकिन जहाँ पर मीट शॉप्स होती हैं, जहाँ पर गोश्त की दुकानें होती हैं, मीट शॉप होती हैं, वहाँ पर हम इसे छोड़ेंगे। और बाय बाय छोटू, बाय बाय, हम तुम्हें मज़ीद नहीं रख सकते, तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक था। तो अब किटन्स को भी बिल्कुल नहीं खोलना आज से, बस हमने ये तय कर लिया कि किटन्स भी बिल्कुल बंद रहेंगी। और पिजन्स यहाँ पर मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, पिजन्स काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। लेकिन मुझे बेबी पिजन का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उसके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। चलें फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम पिजन्स को बंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही यूनिफॉल्स ने खुलना है, सिल्की हैन ने खुलना है, तो फिर इन्होंने फिर से डर जाना है। और माशाल्लाह से पिजन्स जो हैं अब पक्के हो गए हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो चलो जनाब अंदर चलो, सब अंदर चलो, अंदर चलो, चलें चलें। ये थी आज की मेरी वीडियो, मिलते हैं आपसे कल, अल्लाह हाफिज़।